नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। जैसे ही टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने आई, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया को मैदान पर बुलाया, सारी की सारी पोल खुल गई। जो टीम इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज अपने आप को धुरंधर समझते हैं, सारी की सारी पोल खुल गई। और वो पोल खुल गई शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लेकर। यशस्वी जायसवाल की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें अभी ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं बात शुभमन गिल की लेकर करूंगा क्योंकि जैसे शुभमन गिल आउट हुए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर उनकी बातें होने लगी, शुभमन गिल पर आरोप लगाए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि भाई साहब शुभमन गिल को मौका क्यों और फिर गायकवाड़ को धोखा क्यों, क्योंकि गायकवाड़ भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। ऐसी उम्मीद थी कि शायद गायकवाड़ को मौका मिल सकता है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद गायकवाड़ को मौका नहीं मिला और शुभमन गिल को मौका मिल गया। अब कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन आंकड़ों के बाद आप लोगों को समझना जरूरी है कि आखिर ये हो क्या रहा है पूरा खेल। तो चलिए आंकड़े मैं आप लोगों को पहले थोड़ा समझा देता हूं। आंकड़े क्या है कि पिछली कुछ पारियों में, मतलब अगर मैं पिछले 12 इनिंग देखूं, अगर मैं पिछली 12 इनिंग के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो पिछली 12 इनिंग में शुभमन गिल 8 इनिंग में सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। 8 इनिंग में सिंगल डिजिट पर। अगर T20 की पिछली 12 इनिंग को मैं देखूंगा, पहली में 9, दूसरी में 77, 6, 3, 126, 11, 7, 46, 5, 7 और अब 0। कुल मिलाकर बात यह है कि 12 इनिंग में से शुभमन गिल केवल 3 इनिंग ऐसी हैं, मतलब 3-4 इनिंग ऐसी हैं जिनमें दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, वरना शुभमन गिल का सिंगल डिजिट लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा शुभमन गिल जैसे ही विदेश में जाते हैं, शुभमन गिल का बल्ला फेल हो जाता है। जैसे ही स्विंगिंग कंडीशंस आती हैं, गेंदबाजों को मदद की कंडीशंस आती हैं, शुभमन गिल का बल्ला चलता नहीं है। कुल मिलाकर आरोप साफ है, शुभमन गिल पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई साहब शुभमन गिल तो अहमदाबाद के खिलाड़ी हैं, अहमदाबाद का मैदान दे दो शुभमन गिल का बल्ला चल जाता है, अहमदाबाद से बाहर जाएंगे तो शुभमन गिल आउट हो जाएंगे। और अब तो शुभमन गिल अहमदाबाद में भी नहीं चल पाए। जब वर्ल्ड कप के फाइनल अहमदाबाद में खेला जा रहा था, हर किसी को उम्मीद थी कि शुभमन गिल का बल्ला चलेगा, वहां भी अहम मुकाबले में शुभमन गिल फेल हो गए। तो भाई साहब आपको टीम इंडिया में क्यों खिलाया जा रहा है जब आप अपने मैदान पर नहीं चल पाएंगे, विश्व कप के फाइनल में नहीं चल पाएंगे, T20 बाहर खेला जाएगा वहां नहीं चल पाएंगे, किसी विदेशी कंडीशंस में जाओगे वहां नहीं चल पाएंगे, स्विंगिंग कंडीशंस होंगी, तेज गेंदबाजों को मदद होगी वहां नहीं चल पाएंगे। तो भाई साहब आपके लिए क्या खासतौर पर आपके लिए पिच अलग से बनाई जाएगी, क्या आपके लिए मैदान अलग से बनाया जाएगा? ये सवाल शुभमन गिल पर खड़े हो रहे हैं। क्रिकेट फैंस का तो यहां तक भी कहना है कि भाई साहब राहुल द्रविड़ जो है ना, वो अपने पसंद के खिलाड़ी को मौका देते हैं और शुभमन गिल जो है वो उनके पसंद के खिलाड़ी हैं, गायकवाड़ उनकी पसंद के खिलाड़ी नहीं है, इसलिए गायकवाड़ को मौका नहीं दिया जाता और शुभमन गिल को मौका दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं शुभमन गिल के आउट होने के बाद कि शुभमन गिल क्यों ऐसा प्रदर्शन लगातार करते जा रहे हैं, जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका शुभमन गिल की इस डक पर क्या कहना है, क्योंकि ये डक थी और ये शर्मनाक डक है शुभमन गिल की, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, आपका इस आउट पर क्या कहना है? और क्या आपको भी लगता है वास्तव में शुभमन गिल की जगह गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए T20 में, जिस तरीके के उनके आंकड़े मैंने आपको बताया, पिछली 12 इनिंग में केवल मतलब 4 पारियों में वो दहाई का आंकड़ा पार कर पाए? कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का इस आउट पर क्या कहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।